उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। जगन्नाथ पुरी में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्यौहार से कम नहीं होती है। इसे पुरी के अलावा देश विदेश के कई हिस्सों से भी निकाली जाती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये 20 जून 2023 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। तब श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से यह रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी हैं, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। तीसरी कहानी है श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाते हैं। श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा का दर्शन करने के लिए नगर में निकले थे, जिसके लिए यह रथ यात्रा मनाई जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनके रासलीला सुनाने को कहती हैं। माता रोहिणी को लगता है कि श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनाना चाहिए, इसलिए वो उन्हें श्री कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देखकर प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहें। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ, यह 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए लगे होते हैं, जिसका व्यास 7 फीट होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखचूड़ा नागिनी कहते हैं। बलराम का रथ, यह 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल नीले हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे बासुकी नागा कहते हैं। सुभद्रा का रथ, इसमें 12 पहिए होते हैं, जो 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्ण चूड़ा नागनी कहते हैं। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। अगले 3 दिनों प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर एकादशी तक ये वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भी लगता है, तरह तरह के आयोजन होते हैं, महाप्रसाद का वितरण होता है। एकादशी के दिन जब इन्हें वापस लाया जाता है, उस दिन वैसी ही भीड़ उमड़ती है। उस दिन को बहुड़ा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दी जाती है। साल में एक बार ही एक प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश के कई हिस्सों में भी होता है। भारत देश के कई मंदिरों में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। 100 से भी ज्यादा विदेशी शहरों में इसका आयोजन होता है। इसके अलावा बांग्लादेश में रथ यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होता है, जो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।